स्वागत है। आज हम बनाएंगे आम की मीठी चटनी, जिसको गलका भी कहा जाता है, मुरब्बा भी कहा जाता है। चलिए हम बनाएंगे। हमने लिया है 1 किलो आम। अब इसको हम छील देते हैं। पहले इसको हम ऐसे छील लें। देखिए, अब हम सारे आम छील लिए हैं अपना। अब इसको कट करेंगे। आम के अंदर आजकल गुठलियाँ भी हो गई हैं, इसलिए हम साइड से ऐसे करके निकाल लेंगे। नहीं, हम बीच से कट करके ऐसे करके निकाल लेंगे। देखिए, अब सारे आम अपना ऐसे कट कर लिए हैं। अब पहले हम एक गुड़ का चाशनी बना लें। गैस हम ऑन कर लें। आप हमने 2 पीस गुड़ लिया है। चाशनी बनकर तैयार हो गई है। मुरब्बा बनाने के लिए पहले हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। देखिए, इसमें मतलब इसमें तेल डालेंगे और इसको तड़का लगाएंगे, जैसे कि ये जवाइन है। और लहसुन बिना छीले हुए डालना है, 4 पीस मिर्चा कुटी। और इस जो मसाला हम पहले से बना ली है मुरब्बा वाली, इसमें पड़ा है खड़ी धनिया, सौंफ, जवाइन, मंगरेल, मिर्चा, ये 5 चीज पड़ा है इसमें। इसको हम पहले से पीस कर रख ली थी। ये कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है। अब इसमें हम तेल डालेंगे। तेल मेरा गर्म हो गया, इसमें डालेंगे जवाइन। गैस को हम धीमा कर लेंगे। इसमें डालेंगे लहसुन, मिर्चा। हम डालेंगे इसमें। इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, नमक काफी दूर डाल देते हैं। पांच मिनट के लिए इसको हम ढक देंगे। चाशनी को हम आम में ऐड कर देते हैं। देखिए, मुरब्बा मेरा पक रहा है। अब इसी में हम डालेंगे मसाला, अभी थोड़ा और पक जाए। 5 मिनट तक और पकेगा अभी, क्योंकि आम के अंदर इसका मिठापन चला जाए, गुड़ की नहीं खट्टा रहता है। आम थोड़ा खट्टा रहता है, इसके अंदर जाने के लिए हमको 10 मिनट तक पका देते हैं इसको। देखिए, मेरा आम ऐसे पक रहा था। अब मेरा आम तो पक ही गया है। अब इसमें हम डाल दें मसाला। मसाला हमने पहले से पीस कर रखी थी। मसाला डाल दें। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, हम नहीं डालेंगे। अब देखिए, देखिए मेरा गलका बनकर तैयार हो गया। इसको हम अब खाली कर लें, ठंडा हो गया। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे। 15 दिन या 1 महीना तक इसको हम खा सकते हैं फ्रिज में रखकर। बाहर रखेंगे तो 1 हफ्ता चलेगा, अंदर फ्रिज के अंदर रख देंगे तो 1 महीना उसको हम खाएंगे आराम से। अब इसको हम इसी में खाली कर देते हैं। अब
देखिए मेरा तड़का बनकर तैयार हो गया है।